एंटरप्रेन्योरशिप ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसी को डिकोड करने के लिए हम लोगों ने हमारे आज के एपिसोड में बात करी है टीम माही के ओनर मनोज कश्यप से और जानी हमने उनकी ई स्पोर्ट्स जर्नी। सो आज के एपिसोड में हम लोग इस स्पेशल इंटरव्यू पर तो नज़र डालेंगे और इसके बाद हम लोग आपको बताएंगे कि कौन से एक और एंटरप्रेन्योर ने एंट्री करी है ई स्पोर्ट्स में। इसके बाद आज हम लोग नज़र डालेंगे GTA के रिकॉर्ड पर और उसी के साथ आपको बताएंगे कि गैलेक्सी रेसर ने कौन से ई स्पोर्ट्स टाइटल में कर लिया अब अपनी एंट्री। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड। माई नेम इज़ राधिका, you're watching esports 360. हमेशा हम लोग टॉप ई स्पोर्ट्स एथलीट्स, कंटेंट क्रिएटर्स या फिर इन्फ्लुएंसर्स की ही बात करते हैं और जनरली उन्हीं से ही इंस्पिरेशन लेते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप ये भी ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का अब एक मेन पार्ट बन गया है। सो इन्हीं सबको मेन स्ट्रीम में लाने के माइंडसेट के बारे में हम लोगों ने बात करी टीम माही के ओनर मनोज कश्यप AKA सेंटिनल से और जाना कि कैसे उनको इंस्पिरेशन मिली एक ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन खोलने की। तो आइए नज़र डालते हैं इस इंटरव्यू पर। So obviously I had to take inspiration from existing people and I look up to Goldiebhai, I look up to Thug, I look up to Rushi from Global Esports. All these people, you know, have done something good in their own aspect and everything, every person's story or a journey is something that you can learn out of. So one thing I learned is basically online world is basically a numbers game. So no matter you are Anil Ambani or Mukesh Ambani's son, if you don't have 1 million followers on your YouTube or Instagram, nobody gives a damn who you are. So that was one challenge that I had immediately. Even though you have money, you have the resources, you have the drive, you have the passion to get into it, but if you are not a guy who is well known, nobody are willing to talk to you. So that's when we started Velocity Gaming, which was back then. And we were predominantly a community-focused organization. So we started out with PUBG Mobile, which is obviously the big thing in India. We started hosting tournaments for the upcoming gamers, for the top teams. And we had some tremendous success doing that. We built up a huge community on YouTube, Discord, Facebook, Instagram. So that's when, you know, the numbers part was sorted. So then came the challenge of, what do you get into? Esports is a huge, it's a broad spectrum. Yeah. You have a lot of games to look into. Indian esports entrepreneurs ko apni taraf kaafi zyada attract kar raha hai. Pehle Manoj Kashyap aur ab Paytm Games ke Anurag Khurana apni new organization, New Gen Gaming ke saath is field mein enter kar chuke hain. Indian esports industry ke veteran kahe jane wale Anurag Khurana Paytm First Games और Reliance Jio की eSports Division के लिए काम कर चुके हैं। इस वेंचर अनाउंसमेंट के बाद खुराना ने इंडियन eSports ecosystem और उसके करंट गैप्स के बारे में बात की। अपने न्यू वेंचर के थ्रू वो इस गैप को फिल करने के साथ साथ इंडियन eSports को आगे भी ले जाना चाहते हैं। 2013 में लॉन्च हुए GTA 5 ने अब 2020 में 1 मिलियन कॉपीज को सेल करके एक नया रिकॉर्ड सेट किया है। लॉन्च के 8 साल बाद भी GTA का क्रेज फैंस के बीच बना हुआ है और इसमें हमारे इंडियन कंटेंट क्रिएटर टेक्नो गेमर्स का भी एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। 2020 से ही फ्री फायर और कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल हमारे शो का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। फ्री फायर की ग्रोथ को देखते हुए कई सारी पबजी मोबाइल ऑर्गेनाइजेशंस अब इसमें इन्वेस्ट कर रही है। वहीं अब SATUL के बाद गैलेक्सी रेसर ने भी अपना फ्री फायर रोस्टर रिवील कर दिया है। गैलेक्सी रेसर ई स्पोर्ट्स एक दुबई बेस्ड ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है। पबजी मोबाइल की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को देखते हुए इन्होंने इंडियन ई स्पोर्ट्स सीन में एंटर किया था। पहले PMPL चैंपियन सेल्स और फिर सिनर्जी को भी इन्होंने एक्वायर किया। पबजी मोबाइल बैन के बाद इन्होंने नए नए ऑप्शन तलाशना शुरू किए और फाइनली फ्री फायर पर जाके इनकी रिसर्च एंड हुई। इनकी फ्री फायर रोस्टर में FFIC चैंपियन टोटल गेमिंग और XTZ eSports के फॉर्मर प्लेयर्स हैं। स्टार प्लेयर वासियों के अलावा गोल्डन, बारसा बॉय, अमन और मैरिक्स इस रोस्टर का पार्ट है। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं आपको मिलूंगी अब हमारे अगले एपिसोड में बाकी सारी ई स्पोर्ट्स अपडेट्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप फॉलोइंग ई स्पोर्ट्स 360।